फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए नीट 2021 ऑल इंडिया पटे के एक्सपेक्टेड रैंक फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ केरला स्टेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कॉलेज है ऑल इंडिया क्वाटे के लिए 15% एंड स्टेट क्वाटे के लिए 85% का वेटेज रहता है, आपको पता ही। तो फर्स्ट कॉलेज है टीडी मेडिकल कॉलेज अल्पोजिस के। जनरल के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 2462 से लेके 2586 तक। एससी कैटेगरी के लिए 38854 से लेके 38942 के मिलने। एसटी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 82806 से लेके 80977 के मिलने। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एर्नाकुलम, जिसके अंदर जनरल के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 2856 से लेके 2935 के मिनट में। एससी कैटेगरी के लिए 42054 से लेके 42926 के मिनट में। एसटी के लिए 83218 से लेके 83400 के मिनट में आपकी रैंक होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थ्रीसू, जिसके अंदर जनरल के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 1880 से लेके 1977 के मिनट में। एससी कैटेगरी के लिए 32513 से लेके 32666 के मिनट में। एसटी कैटेगरी के लिए 75936 से लेके 76121 के मिनट में आपकी रैंक होनी चाहिए वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिशूर के लिए। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम, जिसमें जनरल के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 1078 से 1189 तक। एससी कैटेगरी के लिए 23916 से लेकर 24216 के मिनट में। एसटी कैटेगरी के लिए 67926 से लेकर 68143 के मिनट में। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोट्टायम, जिसके अंदर जनरल के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 1578 से लेकर 1621 के मिनट में। एससी कैटेगरी के लिए 30252 से 13393 के मिनट में होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 7 यहाँ पर एक डिजिट मिस है, यहाँ पर आपका 72795 से 72400 होगा। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप लोगों को जो एसटी कैटेगरी के लिए मैंने आपको बताया है, इसके अंदर आपकी गलती से मिस्टेक हो गई है, तो इसके अंदर मैं आप लोगों को सही तरीके से बताती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो एसटी कैटेगरी के लिए आपके होनी चाहिए 72400 से लेके 72795 के मिनट में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड, जिसमें जनरल के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 926 से लेके 1120 तक। एससी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 18888 से लेके 18998 के मिनट में। एसटी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 40857 से लेकर 41024 के मिनट में। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पलक्कड़, जिसके अंदर जनरल के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 3631 से लेकर 3782 तक। एससी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 50577 से लेकर 50691 तक। एसटी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 86640 से लेकर 86765 के मिनट में। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंजीरी, जिसके अंदर जनरल के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 3115 से लेकर 3279 के मिनट में। एस सी के लिए 48349 से लेकर 48482 तक। एस टी कैटेगरी के लिए 75981 से लेकर 76204 के मिनट में आपकी रैंक होनी चाहिए वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंजीरी के लिए। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।